किसी का टिकट किसी का सफर। सुनकर हैरानी हुई ना, लेकिन चौंकिए मत क्योंकि अब ये मुमकिन है। सही सुना आपने, आपके टिकट पर कोई और भी आसानी से ट्रैवल कर सकता है। फेस्टिवल्स और हॉलीडेज के मौसम में ट्रेनों में खचाखच भीड़ होती है, टिकट को लेकर पैसेंजर्स लंबे कतार में खड़े होते हैं। यही वजह है कि इस टेंशन से बचने के लिए लोग काफी पहले से ही ट्रेन की टिकट बुक कर लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट में ट्रैवल करने का प्लान ही कैंसिल हो जाता है, जिसके बाद टिकट कैंसिल कराने पर आपको फाइन काट कर पैसे लौटाए जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपके टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति भी सफर कर सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, रेलवे के रूल्स के अनुसार आपके टिकट पर आपका कोई भी फैमिली मेंबर आसानी से ट्रैवल कर सकता है। रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपना टिकट सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स जैसे माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी या फिर अपने पत्नी के नाम पर ही ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि आपके फ्रेंड्स आपके टिकट पर ट्रैवल नहीं कर सकते। आपके नाम से बुक हुए रेलवे टिकट को ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले उस टिकट का एक प्रिंट आउट लेना है, जिसे लेकर आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाना है। टिकट को जिसके नाम से ट्रांसफर करना है उसका कोई आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड भी साथ लेकर जाए। इसके साथ आपको टिकट ट्रांसफर के लिए एक एप्लीकेशन देना होगा। बता दें कि आप सिर्फ एक बार ही अपने टिकट को किसी और को ट्रांसफर करा सकते हैं। नियम ये भी कहता है कि अपना टिकट किसी और के नाम पर ट्रांसफर के लिए आपको कम से कम 24 घंटे पहले अप्लाई करना होगा। वही अगर आपको शादी जैसे किसी फंक्शन में जाना है तो आपको 48 घंटे पहले अप्लाई करना होगा।